नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, भाजपा ने कार्रवाई करते हुए पूर्व सांसद विधायक समेत 7 नेताओं को बाहर निकाला है। अब तक 45 बागियों पर हो गई है निष्कासन की कार्रवाई। जी हां, बिहार में भाजपा लगातार अपने बागी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। इस क्रम में कल मंगलवार को पार्टी ने एक बार फिर से अपने 7 नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इनमें एक पूर्व सांसद, 2 पूर्व विधायक और एक प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शामिल है। इन सभी नेताओं पर NDA प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने का आरोप है। जिन्हें कल निकाला गया उनमें वीरेंद्र चौधरी पूर्व सांसद झांझापुर से है, परमानंद ऋषिदेव, अमन पासवान, प्रीति शेखर, प्रमोद प्रियदर्शी, चंद्रभूषण ठाकुर और विजय शाह जो भागलपुर से हैं। दूसरी बड़ी खबर, वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में आज होगी प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली, एयरपोर्ट जाने वाले सभी रास्ते बंद होंगे। जी हां, बुधवार यानी आज पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली होनी है। वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव शहर के ट्रैफिक में होगा, जहां आज 5.5 घंटे के लिए राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था बदल जाएगी। सबसे बड़ी परेशानी एयरपोर्ट जाने वाले को होगी, क्योंकि किसी को भी इधर से जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। एयरपोर्ट जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस का सख्ता पहरा होगा। एयरपोर्ट जाने के लिए उन्हीं लोगों को इजाज़त मिलेगी जिनके पास फ्लाइट का टिकट होगा। चेक इन के दौरान पुलिस अफसर को सबसे पहले फ्लाइट की टिकट दिखानी होगी, तभी उन्हें जाने दिया जाएगा। फ्लाइट की टिकट नहीं होने पर उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज रैली की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपने अपने गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार पहुंचेंगे। दोनों नेताओं का चुनाव प्रचार के लिए इस बार राज्य में दूसरा दौरा होगा। इससे पहले मोदी और राहुल 23 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करने बिहार आए थे। उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी वाल्मीकि नगर और कुशेश्वर स्थान में महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वाल्मीकि लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में 3 नवंबर को विधानसभा के दूसरे चरण के साथ मतदान होगा। पटना में 15 दिनों में बना दुनिया का सबसे बड़ा फेस मास्क, सऊदी अरबिया और ग्रीक का तोड़ा विश्व रिकॉर्ड। जी हां, विश्व का सबसे बड़ा मास्क बनाकर पटना जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड बनाया है। अब तक विश्व में 778 वर्ग मीटर कपड़े से मास्क का रिकॉर्ड रहा, लेकिन पटना जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 850 वर्ग मीटर का मास्क बनाया है। 100 से अधिक लोगों ने मिलकर 15 दिनों में यह मास्क तैयार किया है, जिसे मंगलवार को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के बाहर भवन के मुख्य द्वार पर लगाया गया। DM पटना कुमार रवि का दावा है कि यह विश्व का सबसे बड़ा मास्क है, जिसके लिए एजेंसियों को सूचना भेजी जा रही है। पटना प्रशासक ने सबसे बड़ा मास्क बनाकर सऊदी अरबिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगली बड़ी खबर, इस बार नई गाइडलाइन नहीं जारी की जाएगी। जी हां, 30 नवंबर तक अनलॉक 5 भी लागू रहेगा। अब तक कोरोना के 79 लाख केस आ चुके हैं। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा है और लोगों को अनलॉक की नई गाइडलाइन का इंतजार था। केंद्र ने मंगलवार को स्थिति साफ की है और कहा कि 30 अक्टूबर यानी अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइन ही 30 नवंबर तक लागू रहेगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि राज्यों के भीतर और दूसरे राज्यों में आने जाने वाले पर कोई रोक नहीं रहेगी और ना ही इसके लिए अलग से कोई मंजूरी लेने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब तक कोरोना महामारी की संख्या 213,383 तक पहुंच गई है। बिहार में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 678 मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में कुल मरने वालों की संख्या 1,058 तक पहुँच गई है। वहीं राज्य में अब तक 2,02,007 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,087 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है।
कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिहार की जनता के नाम संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार की सरकारें बंदी सरकार है। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक मंदी, खेत खलिहान बंदी और रोजगार बंदी। उन्होंने कहा कि आज बिहार में सत्ता और उसके अहंकार में डूबी सरकार अपने रास्ते से अलग हट गई है। उनकी ना कथनी अच्छी है ना करनी। मजदूर आज मजबूर है, किसान आज परेशान है, नौजवान निराश है, अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति है और लोगों के जीवन पर भारी है। धरती के बेटों पर आज गंभीर संकट है। दलित और महादलितों को बदहाली के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। समाज का पिछड़ा वर्ग भी इसी बदहाली का शिकार है। इसीलिए बंदी सरकार के खिलाफ और अगली फसल के लिए, बिहार के निर्माण के लिए बिहार की जनता तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार अपने गृह जिला नालंदा में कल चुनावी सभा की शुरुआत अस्थावा विधानसभा से की। भाषण का पैटर्न थोड़ा बदल नजर आया। अपनी उपलब्धियों की चर्चा तो खूब की, लेकिन विरोधी पर उतने ही हमलावर नजर नहीं आए। जबकि नीतीश कुमार अपनी हर सभा में काम गिनना और विरोधी को निशाना साधना जारी रखते हैं। बोले, मैं इस धरती को नमन करना चाहता हूँ। हमने बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाई है। मौका दीजिएगा तो आगे भी काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग सबके उत्थान का काम करते हैं। पूरे बिहार में घूम घूम कर काम की समीक्षा करते हैं। सरकार बन जाएगी तो यहाँ आएंगे और सबकी समस्या सुनेंगे। बोले, इस बार एनडीए प्रत्याशी को भारी मतों से विजय बनाइएगा। कोई इधर उधर बाया दया करना चाहता हो तो उसे संभल कर रहिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मंच सज चुका है। सोमवार शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है। आज यानी 28 अक्टूबर को बिहार में पहले चरण में 71 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनाव के पहले चरण की सारी तैयारियां हो चुकी है। चुनाव प्रचार बंद होने से साथ साथ असल गुना भाग भी चालू हो चुका है। पटना, गया, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर समेत 16 जिलों की 71 सीटों के लिए 1066 उम्मीदवार मैदान में है। इनमें से 114 महिलाएं हैं। पहले चरण में 2,14,06,096 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पहले चरण में राज्य सरकार के 8 मंत्रियों समेत कई दिग्गज मैदान में हैं। इस चरण में जिन दिग्गज के भाग्य का फैसला होना है उनमें शिक्षा मंत्री कृष्णा नंदन प्रसाद वर्मा, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जय कुमार सिंह, राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल, श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा, खनन मंत्री ब्रिजकिशोर बिंद और परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला शामिल है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, पूर्व मंत्री विजय प्रकाश, श्रेयस सिंह, अनंत सिंह, राजेश सिंह, रामेश्वर चौरसिया और भगवान सिंह कुशवाहा पर भी सभी की निगाहें हैं। अब देखना यह है कि कोरोना काल में जब सब अपने अपने घरों में बैठे हैं तब पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट प्रतिशत में कितना बदलाव आता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर यानी आज है। पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है। खास बात यह है कि मतदान के लिए चुनाव आयोग मतदाता पहचान पत्र जारी करता है। आपकी उम्र अगर 18 साल से ज़्यादा है और आपको वोट डालने का अधिकार है। हालांकि मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी नहीं है। इसके बिना भी आप चुनाव के दौरान वोटिंग कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप किस तरह वोट डाल सकते हैं, आइए आगे जानते हैं। आप बिना वोटर आईडी के भी वोट डाल सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो। हर पोलिंग स्टेशन पर उस क्षेत्र के मतदाताओं की एक सूची होती है। अगर आपका नाम इस लिस्ट से गायब है तो आप वोट नहीं कर सकते। अगर लिस्ट में आपका नाम है तो आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तब भी आप मतदान केंद्र पर वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण कागजात की जरूरत होगी, जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पैन कार्ड, जॉब कार्ड, स्मार्ट कार्ड और स्वास्थ्य बीमा कार्ड हो तो आप उसके द्वारा भी वोट कर सकते हैं। राजद के राज्यसभा सांसद सह मुख्य प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि पहले चरण में महागठबंधन 71 में से 71% सीटें जीतने जा रहा है। राजद कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव बिहार बनाम नीतीश कुमार है। मनोज झा ने कहा कि कुछ लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के उस बयान को बेवजह जाति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने भ्रष्ट बाबुओं और साहिबाना मिजाज के अफसरों को लेकर दिया था। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने
सिर्फ डेहरी में ही नहीं अपनी हर सभा में थाना और ब्लॉक से लेकर ऊपर स्तर के भ्रष्टाचार पर कटाक्ष किया है। राजद प्रवक्ता ने कहा कि मौजूदा सरकार में अफसरशाही और बाबू तंत्र बुरी तरह से हावी है। बिहार विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिहार से बेरोजगारी को खत्म करने का संकल्प लिया है। मंगलवार को नौकरी संवाद में तेजस्वी ने 10 लाख बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने का रोड मैप रखा। नौकरी संवाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लाखों पद खाली है। सूबे में शिक्षक, नर्स, कंपाउंडर, इंजीनियर की कमी है। बिहार के पुलिस महकमे में भी कई पद खाली है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कलम चलेगी। बिहार के 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी ने कहा कि इस बार एक साथ समाज के सभी लोग खड़े हैं। एनडीए की ओर से तरह तरह की साजिशें रची गई है, लेकिन मैं मुद्दे के साथ खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि समाज के हर एक तबके को वो साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे वो स्वर्ण जातिक हो या अल्पसंख्यक हो, फिर दलित महादलित हो। उन्होंने बताया कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के साथ साथ समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलेंगे। वहीं दूसरी ओर कल तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी के बेलसंड विधानसभा में जनता को संबोधित किया। अपनी जनसभा में तेजस्वी ने ऐलान किया कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो बिजली का बिल आधा करेंगे और किसानों का कर्ज भी माफ कर देंगे। हालांकि इसके तेजस्वी यादव अपनी कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का भी वादा कर चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सूबे में विधायकों पर हमले का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से एक जेडीयू विधायक के ऊपर चुनाव प्रचार करने के दौरान हमला हुआ है। यह घटना अजीमाबाद के चिपुरा गांव की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जदयू के विधायक और अगिया गांव संरक्षित विधानसभा सीट से प्रत्याशी प्रभुनाथ राम अपने काफिले के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान ही उनके काफिले पर हमला किया गया। बताया जा रहा है कि विधायक सोमवार की देर शाम अजीमाबाद के चिपुरा गांव प्रचार करने गए थे। इस दौरान ही ग्रामीणों ने घेर लिया और उनको काला झंडा दिखाया और उनके गाड़ी पर पथराव भी किया। और अंत की सबसे बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर के सकरा में एक चुनावी रैली के दौरान कुछ लोगों ने सीएम नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए और भीड़ में से किसी ने नीतीश कुमार की तरफ चप्पल भी उछाली। हालांकि चप्पल सीएम तक नहीं पहुंची। सीएम के कार्यक्रम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि एक दिन पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुजफ्फरपुर में हुई एक अन्य सभा में भी मुर्दाबाद के नारे लगे थे। उस वक्त सीएम मंच पर ही थे और वो भड़क गए।